ऐसे इशारे करके अपनी वॉच को कंट्रोल करना चाहते हो या फिर ऐसे कूल लाइटर्स चाहिए तो वेलकम वंस अगेन टू गैजेट जोन। दोस्तों सारे गैजेट्स आपको एज यूजुअल ऑनलाइन ही मिल जाएंगे और गैजेट नंबर 7 और 8 भाई एकदम नेक्स्ट लेवल होने वाले हैं। आप वीडियो को लाइक करने का ध्यान रखिएगा। बस तो लेट अस बिगिन विद गैजेट नंबर 1। देखो हमारे डॉग्स हमारे पेट्स नहीं, हमारे फैमिली मेंबर्स की तरह होते हैं, हमारे बेस्ट फ्रेंड होते हैं। और अब कहीं घूमने जाओ साइकिल से तो बिना बेस्ट फ्रेंड के मजा तो नहीं आने वाला। बट डॉगों को साइकिल में पीछे या आगे बिठा तो नहीं सकना, उसके लिए सिंपली ये डॉग बाइक सीट ले लो एंड फिर इसमें आपका डॉगी इजिली बैठ के आपके साथ साइकिल पर घूम सकता है। ये सीट डॉगी के लिए काफी कंफर्टेबल रहती है एंड लगभग किसी भी बाइसिकल में आगे साइड फिट की जा सकती है, छोटे से लेकर नॉर्मल साइज के डॉगी जिसमें मस्त फैल कर बैठ सकते हैं। दोस्तों तो किस किस के पास डॉगी है नीचे कमेंट्स में बताओ मुझे। वही डॉगीज के बाद अब घूमने की बारी है कैट्स की, और उनको तो रखने के लिए ज्यादा स्पेस भी नहीं चाहिए होता, वो तो इजिली इसी बैकपैक में आ जाएंगी। हालांकि आपको बता दूं कि इस बैग में आप केवल किटी को ही रख सकते हो, उसके अलावा लिटरली और कुछ नहीं रख सकते। बैग में पीछे साइड एक ट्रांसपेरेंट लेयर ऑफ ग्लास लगी रहती है, काफी सारे होल्स भी रहते हैं एयर फ्लो को मेंटेन रखने के लिए एंड साइड में एक डोर होता है जिससे कैट इसमें अंदर बाहर आ जा सकती है इस तरह से। सो किटी के साथ ट्रैवल करने के लिए दिस बैकपैक इज अ मस्ट हैव। ये रहा एक कूल ट्रांसपेरेंट जेट लाइटर जो ग्लो भी करता है एंड इससे काफी ऊंची सिंगल फ्लेम निकलती है, मतलब ये वो आर्क लाइटर नहीं है जो मैंने आपको कई बार दिखाया है जिसमें फ्लेम नहीं निकलती, इसमें फ्लेम निकलती है एंड काफी हाई फ्लेम निकलती है। तो ऐसा कुछ नेक्स्ट लेवल फीचर तो नहीं है इसमें, बस देखने में कूल है। ये ऐसी गाड़ी घर में खड़ी हो तो चलाने का मन तो करेगा ही। ये है वूक ई ट्राइक। फ्रंट में इसमें रहता है एक बड़ा सा व्हील, उसके मुकाबले पीछे के जो इसमें व्हील्स होते हैं वो काफी छोटे छोटे रहते हैं साइज में। इसका डिजाइन बिल्कुल वैसा रहता है जैसे छोटे में बच्चों की गाड़ी नहीं आती है, कुछ उसी तरह का। लेकिन इसका जो राइडिंग एक्सपीरियंस है वो बहुत ही मजेदार है। अब क्योंकि ये इलेक्ट्रिक है तो ना ही पेडल्स घुमाने की जरूरत है, ना ही पेट्रोल डलवाने की, और इतनी धासु है ये कि इसे आप ऑन रोड के अलावा ऑफ रोड्स भी चला पाओगे, वो भी काफी हाई स्पीड्स में। हैंडल के पास इसमें स्मार्टफोन को माउंट करने का भी जुगाड़ है। देखो बाहर आप चाय से लेकर नींबू पानी कुछ भी पियोगे तो वो आपको शॉप वाला अपने कप में देगा जिसमें पता नहीं कितनी गंदगी पहले से ही लगी रहती है। तो इस तरह के अनहाइजेनिक कप्स को यूज करने से कहीं बेटर है कि आप ये कोलैप्सिबल कप ले लो एंड इसे चाहे अपनी कीज के साथ एज अ की चेन लगा लो या अपने बैग की चेन में लटका लो, और जब भी बाहर आप कोई भी ड्रिंक या बेवरेज लो तो शॉप के कप की बजाय उसे इसमें डालकर पियो। इस कप को कवर अप रखने के लिए इसकी लिड भी इसके साथ ही मिल जाती है, और बैग में लटकाने के लिए एक कैरबिनर भी आपको इसके साथ लगा हुआ ही मिलेगा दोस्तों। और ड्रिंक खत्म करने के बाद वापस से इसे कोलैप्स करके छोटा कर लो एंड लटका लो बैग में फिर से, और घर आकर वॉश कर लो। ट्रैवल वगैरह करते टाइम ये आपके बहुत ज्यादा काम आएगा। अगर आपको रेट्रो गैजेट्स पसंद है, मतलब क्लासिक स्टाइल वाले पुरानी स्टाइल वाले गैजेट्स पसंद है, तब तो ये कूल पावर बैंक आपको तुरंत ही पसंद आ जाएगा बिकॉज ये फुली रेट्रो स्टाइल में आता है। इवन इसमें एक डिजिटल स्क्रीन भी रहती है जिसमें रेट्रो स्टाइल में ही सारी इन्फो डिस्प्ले होती रहती है। लेकिन ये है बहुत हाईटेक दोस्तों, ये मैगसेफ फीचर के साथ आता है, यानी फोन के पीछे बस इसे ऐसे स्टिक कर दो एंड ये उसे चार्ज करने लग जाएगा, और चाहो तो केबल से भी चार्जिंग की जा सकती है। और तो और इसमें आपके एंटरटेनमेंट के लिए, मतलब एक्स्ट्रा एंटरटेनमेंट के लिए कुछ एक गेम्स भी मौजूद रहते हैं जिन्हें आप इसकी स्क्रीन पर खेल सकते हो। लेकिन सीरियसली मुझे इसमें सबसे ज्यादा इसके रेट्रो लुक्स पसंद आए। ये रहा एक फ्लाइंग ऑर्ब जो बूमरैंग की तरह वर्क करता है बिकॉज फ्लाई करते करते ये वापस आएगा आपके पास ही, एंड इसे फ्लाई करने के लिए रिमोट वगैरह कुछ नहीं चाहिए, बस अपने हैंड्स से इसे ऐसे इशारे करते रहो एंड ये उड़ता रहेगा। इवन इसे आप थ्रो भी करोगे, बहुत ज्यादा तेज ना थ्रो कर देना नहीं तो फिर गायब ही हो जाएगा, एकदम इजिली थ्रो करोगे जब इसे आप तो ये फ्लाई करते हुए जाएगा और लगभग आपके पास ही वापस आकर रुकेगा। एकदम करेक्ट आपके पास नहीं, लगभग आपके पास। इसे आप सिर्फ 465 रुपए में ऑनलाइन बाय कर सकते हो। ओके सो ये रहा वो स्पिनर लाइटर जिसका आप कर रहे थे वेट। साइज इसका हमारी फिंगर के बराबर होता है, अब कौन सी फिंगर ये तो मैं नहीं बताऊंगा। एंड ये भी एक प्रॉपर फ्लेम लाइटर है, आर्क लाइटर नहीं है। और अभी तो रुको यार, अभी इसमें एक बहुत ही धांसू फीचर है, स्पिन करने के लिए आप इसे मिड से ग्रैप करके स्पिन कर सकते हो, बहुत स्मूथली स्पिन करता है ये और काफी सारे एस्थेटिक कलर्स में भी आता है। बट इसका जो सबसे मस्त वाला पार्ट है वो ये है कि जब इसकी ये वाली लाइट्स आप ऑन कर दोगे एंड उसके बाद इसे स्पिन करोगे तो इसमें आपको एक टेक्स्ट लिखा हुआ दिखाई देगा एंड टेक्स्ट के अलावा भी और भी काफी सारे कूल एनिमेशंस वगैरह भी डिस्प्ले होते हैं इसमें स्पिनिंग के टाइम। तो इट्स नॉट जस्ट अ लाइटर, इट्स अ फिजेट स्पिनर एंड ग्लोइंग फिजेट स्पिनर एज वेल।
अब इसे कोई ओरिगामी पजल समझकर सॉल्व मत करने लग जाइएगा, ये कोई खेलने की चीज़ नहीं है, बल्कि ये पहला ऐसा सोलर चार्जर है जो ओरिगामी स्टाइल में आता है दोस्तों, जिससे आप कभी भी बिजली बना सकते हो ऑन द गो। जस्ट इसे एक्सपैंड करके धूप में रख देना होगा आपको और फिर लगभग तुरंत ही, मतलब तुरंत ही ये आपके छोटे से लेकर बड़े डिवाइसेस तक को चार्ज एंड पावर अप करने की इलेक्ट्रिसिटी दे देगा। इसका सेटअप बहुत ही सिंपल है, बस इसे ऐसे एक्सपैंड करके इसके ट्राइपॉड में लगा देना रहता है और फिर धूप में इसे रख देना होगा बस। अगर मान लो आप किसी ट्रिप पर गए हो तब तो ये आपके बहुत काम आएगा, क्योंकि पूरा टाइम ट्रिप में होटल पर तो बने नहीं रहोगे, बाहर तो आओगे ही, तो ऐसी जगह पर जहां पर पावर का कोई सोर्स ना हो, ऐसे में इस कूल डिवाइस से आप तुरंत ही पावर का इंतजाम कर सकते हो। इससे आपके आईपैड, स्मार्टफोन, छोटे मोटे फैंस और ऐसे ही डिवाइसेस इजीली चल जाएंगे, पावर अप हो जाएंगे, और अगर चाहो तो इसे आप सिंपली अपने घर में भी लगा सकते हो जब ट्रिप पर ना हो, जिससे ये लगातार तब तक पावर प्रोवाइड करता रहेगा जब तक इसे धूप मिलती रहेगी, तो आपका बिजली का बिल पहले से कम तो कर ही देगा ये। कोई भी पार्टी हो दोस्तों, उसमें अगर लाइटिंग अच्छी नहीं है, बढ़िया नहीं है, तो फिर मजा नहीं आता पार्टी में। वेल, आपकी बर्थडे एंड दूसरी पार्टीज में आप ये वाली लाइट यूज कर सकते हो, जिसमें आपको ढेरों अलग अलग मोड्स मिल जाएंगे। इस लाइट को आप डायरेक्ट अपने स्मार्टफोन से कंट्रोल कर पाओगे बिकॉज इट्स स्मार्ट, और तो और इसमें AI टेक का भी यूज हुआ है, जिसके चलते ये लाइट म्यूजिक के साथ एकदम परफेक्टली सिंक होकर डांस करती है, मतलब ग्लो करती है। म्यूजिक की हर एक बीट को ये लाइट में बदल देती है, इससे आपका म्यूजिक सुनने का एक्सपीरियंस और भी इमर्सिव हो जाएगा। अगर आपके पास एक गेमिंग सेटअप है तो उसमें भी ऐड कर सकते हो आप, साथ ही अपने लिविंग रूम या बेडरूम को भी इससे लाइटन अप कर सकते हो, एंड पार्टीज में तो ऑब्वियसली भाई ये काम आ ही जानी है। नॉर्मली तो हम अपनी स्मार्ट वॉच की स्क्रीन पर टच 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 करके उसे कंट्रोल करते हैं, बट ये बैंड आपके एप्पल वॉच को यूज करने का एक्सपीरियंस एकदम बदल कर रख देगा। कई बार हम ऐसी सिचुएशंस में होते हैं जब अपनी स्मार्ट वॉच की स्क्रीन को टच कर पाना हमारे लिए पॉसिबल ही नहीं होता। मान लो हाथ में कुछ लगा हुआ है, हम कुछ खा रहे हैं, ऐसे में आपको करना बस इतना है कि नॉर्मल एप्पल वॉच बैंड को हटाकर उसकी जगह पर मुद्रा बैंड लगा लेना है बस, और उसके बाद उस वॉच को आप सिर्फ इस तरह के सिंपल जेस्चर्स यानी इशारे करके फुल्ली कंट्रोल कर पाओगे। इशारा करते ही अलार्म बंद हो जाएगा, इशारा करते ही कॉल पिक या रिजेक्ट हो जाएगी, मतलब लगभग हर एक फंक्शन को करने के लिए अलग अलग इशारे करने पड़ेंगे आपको अपनी उंगलियों से बस। बेसिकली ये बैंड आपकी फिंगर के जो मूवमेंट्स हैं उनको वॉच के कंट्रोल फंक्शंस में ट्रांसलेट कर देता है। ऐसी फ्लैशलाइट देखी कभी जो 1 किलोमीटर दूर बिल्डिंग को भी पूरी तरह से इल्यूमिनेट कर दे, या फिर पूरे के पूरे मोहल्ले को लाइट अप कर दे। एंड टू बी ऑनेस्ट दोस्तों, इसकी ब्राइटनेस के हिसाब से इसका साइज बहुत ही कम है, मतलब बड़ा सरप्राइजिंग लगा मुझे ये। और इसमें आपको सेल्स वेल्स भी नहीं डालने बार बार, बल्कि ये USB केबल से चार्ज की जा सकती है। इसे आप कई सारे अलग अलग मोड्स में ग्लो कर सकते हो, या तो नॉर्मल फ्लैशलाइट की तरह जहां से पास का पूरा एरिया इल्यूमिनेट कर देगी, या फिर इसे आप एक पतली सी स्ट्रेट बीम की फॉर्म में जला सकते हो, एंड इस फॉर्म में इसकी रोशनी बहुत दूर तक जा सकती है। बाकी फ्लैश मोड, UV लाइट, RGB लाइट्स ऐसे दूसरे मोड्स भी रहते हैं इसमें। ओवरऑल ये एक मस्ट हैव ऑल इन वन सुपर ब्राइट EDC फ्लैशलाइट है। सो गाइस, कौन सा गैजेट आपको बेस्ट लगा कमेंट्स में बताओ मुझे। साथ ही वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो इसे अभी लाइक करके चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, एंड नोटिफिकेशंस को जरूर से डाल दीजिए ऑल पर, ताकि ऐसे ही लेटेस्ट एंड कूल गैजेट्स की वीडियोस आपसे कभी भी मिस ना हो। सो दोस्तों, सेफ रहिए एंड करते रहिए एंजॉय। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए गैजेट्स के साथ। बाय।